مصطفى بلغ ما قال سيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قال سيدنا يا ربي بالمرتضى يا ربي بالمرقوزة بلغ ما قال سيدنا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسيا الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जो इसमें एंड किया गया ना या रब्बी बिल मुर्तजा बल्लिग मकासिदना, ये इश्क की बात, ये हदीस पाक का मफहूम है, सुन लीजिए। तमाम साहा की किताबों में लिखा हुआ है, मैं उसे सित्ता कहता हूँ, साहा नहीं कहता, सित्ता कहता हूँ, सित्ता जो सात किताब है, वो किताबों में लिखा हुआ है। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी रसूल आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक हाजत आ पड़ी है, दुआ फरमाइए। तो हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्फाज ये थे अरबी में, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी बिहक्किन बिहक्किन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम। वो सहाबी गए और अल्लाह ताला ने उनकी हाजत को पूरी फरमा दिया। एक सहाबी आए, आगे कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। तो हुजूर ने फिर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी बिहक अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम, उनकी भी दुआ कबूल हो गई। एक सहाबी देख रहे थे, दोनों की दुआ कबूल हो गई। तो सहाबी ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको हाजत हो तो आप किस तरीके से दुआ मांगेंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना अना फी बिहक अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम, मेरी की दुआ को भी वो अली के वसीले से कबूल फरमा। ये हकीम की रिवायत है, ये हकीम हदीस की मोतबर किताब है, इब्ने शैबा बुखारी के उस्ताद है, उनकी है वो है। तो ये तो इसमें या रब्बी बिल मुस्तफा या रब्बी बिल मुर्तजा बल्लिग मकासिदना, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा। कि लोग सवाल करते हैं, ये जो आप गिरा लगाए हैं कोई हदीस का मफहूम है, तो मैंने आपके हदीस का हवाला आपके पास पेश किया, ताकि कोई भी छिछोरा आलिम आलिम दीन अगर है तो उसे पूछ लीजिए ये हदीस मौजूद है या नहीं। तो इसी वजह से इस तरीके से दुआ मांगी जाती है। जितने पाक अलैहि सलातो व सलाम के सब से अल्लाह ताला भाई दुआ को सुने। अब उमर अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि आइए, वो बार गए।